दाभी आईपीटीवी सच आपके सामने। दोस्तों अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले T20 मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसे कि 6 दिसंबर से हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। दोस्तों यह मैच शाम 7 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच के लिए टीम इंडिया हैदराबाद पहुंच चुकी है और आज से प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं टीम इंडिया अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, कोई भी टीम भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पा रही है। हालांकि हम सभी जानते हैं टीम इंडिया का T20 में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम इंडिया हार गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों भारतीय टीम का क्रिकेट जगत में दबदबा ऐसा है कि सामने वाली टीम अपने आप ही डर जाती है और ये डर वेस्ट इंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड पर भी साफ देखा जा सकता है। दोस्तों मैच से पहले ही किरण पोलार्ड ने अपनी टीम को विराट ब्रिगेड के खिलाफ अंडरडॉग करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाली T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी टीम विराट की टीम से काफी कमजोर है, उनके पास रोहित शर्मा जैसा विस्फोटक खिलाड़ी है जो अकेले 200 रन बनाने की क्षमता रखता है, तो विराट जैसा मास्टरमाइंड खिलाड़ी हमारी रणनीति को फेल कर सकता है। दोस्तों इसी खौफ से वेस्ट इंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड ने खुले तौर पे कह दिया कि हम कमजोर टीम है और हम अंडरडॉग रहेंगे। दोस्तों कप्तान किरण पोलार्ड का इस बयान से साफ झलकता है कि कैरेबियाई टीम मैच से पहले ही कितना खौफ में है। दोस्तों अगर बात की जाए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक खेले गए मुकाबले की तो दोनों टीमों का T20 में अब तक 14 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें से भारत ने 8 मैच जीते हैं जबकि वेस्ट इंडीज ने 5 मैच जीते हैं। हालांकि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को कमजोर समझने की भूल नहीं करेगी क्योंकि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज किरण पोलार्ड को अपना कप्तान बनाया है और मिडिल ऑर्डर में 2 विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पुरन और सिमरन हेटमायर कभी भी खेल का रुख मोड़ सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज को हराना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज T20 क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है, तो आप भी तैयार हो जाइए इस शानदार सीरीज के लिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया हैदराबाद में वेस्ट इंडीज को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या रोहित शर्मा इस T20 सीरीज में शतक बनाने में कामयाब हो पाएंगे। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।